नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज एंड फॉर्मेट दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सार इंडिया पर के सिलसिले में। सार इंडिया परिवार एक बहुत ही बड़ा परिवार है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो है इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, सार इंडिया परिवार में बहुत सारे लोगों के अपने पैसे को वापस पाना चाहते हैं। सार इंडिया ने कई निवेशकों के पैसे अभी भी फंसे हुए हैं। काफ़ी समय से सहारा में निवेश करने वाले अपने निवेश प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल को लॉन्च करने के कुछ समय में ही लाखों लोगों ने अपने पैसे वापस पाने के लिए जो है आवेदन करना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से निवेशकों के पैसे लौटाने जाने की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में के जमाकर्ताओं के पैसे वापस करने की सारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिसके माध्यम से निवेशकों के ने निवेश किए, जैसे जिन्हें पैसा वापस मिल सकेगा, जिसमें ऐसे लोगों के को पहले रखा गया जिनके निवेशकों का मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो गया हो, और इसके बाद ऐसे निवेशकों को पहले रखा जाएगा जिसके 10,000 रुपये तक का निवेश हो। 10,000 से ज़्यादा की राशि वाले निवेशकों को अभी भी 10,000 रुपये ही लौटाए जाएंगे। सारा पोर्टल के जरिए 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने रिफंड करके आवेदन किया हुआ है। केंद्र सरकार इस समूह में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों का पैसा लौटाएगी। जब केंद्रीय अमित शाह ने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, तब ये कहा था कि 45 दिनों के अंदर निवेशकों के पैसे उनके खाते में वापस किए जाएंगे। अब सरकार ने पैसे वापस करने के लिए प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। मिलते हैं नई वीडियो साथ नई जानकारी, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।